आशुरा का दिन या योम आशुरा का दिन सभी मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से साल के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख को आता है। आशुरा का दिन करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। हजरत हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे थे। मुसलमान इस दिन रोजा रखकर मस्जिदों में इबादत भी करते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन ताजिए निकालकर हजरत हुसैन को याद किया जाता है। इसी तारतम्य में कसरावत में भी मस्जिदों में आशुरा की विशेष नमाज अदा की गई तथा नगर में आकर्षक ताजिया एवं अखाड़े निकाले गए। कमेटियों द्वारा लोगों को शरबत भी पिलाया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जब ये थक जाता है गोद में लेके तो किसी दूसरे के पास, जब दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, लेकिन गोद में रखा, जमीन पर नहीं रखा। अब आप पूछोगे कि गोद में रखने की रीजन क्या है, इसका मतलब क्या है? अब मेरी बात को गौर से सुनना। अरे वो इब्राहिम का बेटा इस्माइल, यानी के कई हजार साल पहले वो इस्माइल सफा और मरवा की पहाड़ी पर जमीन पे लेटा हुआ था। पानी के लिए भी हाजरा कभी सफा पे दौड़ती है, कभी मरवा पे दौड़ती है, कभी सफा पे, कभी मरवा पे। पानी नहीं मिलता तो इस्माइल अली सलाम अपनी एड़ी को जमीन पे रगड़ते हैं तो आगे समसम का फव्वारा जमीन से निकलता है। इमाम हुसैन को डर था, कहीं अली असगर को जमीन पे लेटा दिया और एड़ी अली असगर ने रगड़ दी तो यहाँ से नया आगे समसम निकल आएगा। हाफिज साहब, आज मुहर्रम में योम आशूरा और आशूरे में विशेष नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोगों को देखा गया इबादत करते हुए, तो क्या है योम आशूरा का महत्व और क्यों आज इबादत ज़्यादा की जाती है? आशूरा का दिन यह बहुत ही अहम दिन है और बड़ा तारीखी दिन रहा है। वैसे तो ये मशहूर हज़रत सैयदना सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत से है, लेकिन इसके साथ साथ भी इसमें बहुत सारे वाकयात हुए हैं। दुनिया के पहले इंसान, पहले नबी जिन्हें कहा जाता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश का दिन भी यही है। ज़मीन व आसमान की तख्लीक का दिन भी यह है और कई ऐसे अम्बिया इकराम हैं जिनको इन दिनों के अंदर में बड़े बड़े एजाज़ात अता फ़रमाए, अल्लाह तबारक तआला ने एजाज़ात अता फ़रमाए। और इसके बाद जो मशहूर व मरूफ है जिससे इसे पहचाना जाता है वो है सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी, कि आपने हक के लिए, सच्चाई के लिए और दीन इस्लाम की बका के लिए अपने आप को अपने अहले ख़ानदान के साथ आज ही के दिन यानी आशुरा के दिन मुहर्रम के 10 तारीख को करबला में शहीद करवा दिया और ख़ुद शहीद हो गए दीन इस्लाम के लिए, सच की और हक की लड़ाई के लिए। तो इस दिन इसे इनकी याद में और इसकी अहमियत में इसे मनाया जाता है, नमाज़ें पढ़ी जाती है, जिक्र किया जाता है, इमाम हुसैन की बारगाह में इसाले सवाब पेश किया जाता है। आज के दिन एक ख़ास नमाज अदा की गई जिसे नमाज आशुरा नफिल नमाज के नाम से जाना जाता है और बड़ी तादाद में हर इलाके और एरिए के अंदर अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज़ें अदा की। माशाल्लाह ईदगाह गौसिया मस्जिद में भी नमाज अदा हुई जिसमें एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की और दुआएं भी की गई इस नमाज के बाद। क्या है फजीलत इस नमाज की? इस नमाज की फजीलत में वैसे तो बहुत सारी नमाज़ें नफिल, लेकिन जो चार रकात खास करके यहाँ पर अदा की गई इसके बारे में कि अल्लाह तबारक ताला उसके पिछले 50 साल सगीरा गुनाह ने छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है और इस नमाज के बाद दुआ करने से दुआएँ कबूल होती हैं। आज क्या दुआएँ की गई? नमाज के अंदर अमन व सुकून की दुआएँ मांगी गई, आफियत की दुआएँ मांगी गई, हक के साथ रहने की दुआएं मांगी गई, नियतें की गई, अल्लाह से मांगा भी गया कि अल्लाह ताला हमें हमेशा सच और हक के साथ खड़ा रखे और अपने मुल्क और दुनिया भर के अमन अमान के लिए भी दुआएं की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।